हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, एक न्यूज़ आई है डेक्कन हेराल्ड की वेडनेसडे 7 जुलाई को, तो उसमें कहा है कि मॉक एग्ज़ाम्स फॉर एसएसएलसी स्टूडेंट ऑन जुलाई 15 एंड 17, यानी जो हमारे एसएसएलसी के स्टूडेंट हैं जो इस साल एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस मतलब एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ने उनके लिए एक मॉक एग्ज़ाम रखा है बिफोर मेन एग्ज़ाम, यानी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 15 और 17 जुलाई को। और वो एग्ज़ाम किस तरह से है, यहाँ पर जैसा न्यूज़ में कवर किया है कि द मॉक एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट द रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर, यानी जहाँ पर भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है इस साल जो आप अटेम्प्ट करने वाले हैं, उसी एग्ज़ाम सेंटर में आपका ये एग्ज़ाम होगा, मॉक एग्ज़ाम बिफोर मेन एग्ज़ाम, यानी 15 और 17 जुलाई को ये होगा। और SOP के तहत, यानी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके तहत, क्योंकि जो हमारे मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर एस सुरेश कुमार ने एक मीटिंग में DDPI से ट्यूसडे को ये सारे चीज़ें उन्होंने इंश्योर की है कि भाई सेफ्टी किस तरह से होगी, यानी सारे चीज़ें आपको आइडिया हो जाए कि फ़र्स्ट टाइम आप जो ये अटैम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम के किस तरह से होंगे, ठीक है। यानी OMR जो शीट है यहाँ पर जिस तरह से दिया है कि द डिपार्टमेंट ऑफिशियली सेड दैट मॉक एग्जामिनेशन वॉज बींग कंडक्टेड सिंस इट वॉज फॉर फर्स्ट टाइम दैट द स्टूडेंट्स वर अटेम्प्टिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यूजिंग OMR शीट, यानी OMR शीट यूज़ करके फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या है मेन एग्ज़ाम से पहले एक बार आपको आइडिया हो जाना, इसलिए ये एग्ज़ाम रखे हैं और आपके रेस्पेक्टिव एग्जामिनेशन सेंटर में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाएंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।